मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 फरवरी 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी है। 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में कुल 16,800 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जमा की गई है। दरअसल किसान जनवरी से ही 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब होली से पहले 8 करोड़ से अधिक किसानों को सरकार ने तोहफा दिया है। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त 27 जनवरी को जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। अगर आपके खाते में यह किस्त नहीं आई है और किस्त से जुड़ी कोई समस्या है तो इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाना होगा और अपनी समस्या के हिसाब से इसे चुने और नीचे इसका विवरण भी लिखे, उसके बाद उसे सबमिट करना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यह सब काम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर ही करना होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को भगाने में मदद करने वाले राजीव उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सारण को पेपर देने वाले टीचर शेर सिंह की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार शेर सिंह आबू रोड के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर तैनात है। वह पिंडवाड़ा में रहता है, उसके जल्द ही गिरफ्त में आने की उम्मीद है। दरअसल आपको बता दूं 40 लाख रुपए में भूपेंद्र सारण के शेर सिंह से पेपर खरीदने की बात सामने आई। फिलहाल बड़ी खबर यह है, मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को भगाने में मदद करने वाले राजीव उपाध्याय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है क्योंकि एक बार फिर मौसम पलटे मारेगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक कमजोर प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ 28 फरवरी की शाम को राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी बेल्ट में एक्टिव होगा। इसका असर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के आसपास देखने को मिलेगा। इस विक्षोभ की वजह से 1 मार्च को कई जगहों पर बादल छाने, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी और बरसात की भी संभावना है। हालांकि बाकी जैसे जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर संभाग में यह विक्षोभ कुछ खास अपना असर नहीं दिखा पाएगा। ऐसे में इन इलाकों में बादल वगैरह जरूर छा सकते हैं लेकिन अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इस मैप के जरिए आप समझिए जहां पर पीला निशान है वहां पर बादल छाने के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। हालांकि 4 मार्च से उदयपुर कोटा संभाग में भी एक हल्के प्रभाव का सिस्टम एक्टिव होने की स्थितियां बन रही है जिसकी वजह से 5 मार्च के आसपास उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा सिरोही, कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों में भी मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गर्मियों का सीजन शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से बिजली संकट गहराने लगा है। दरअसल बिजली उत्पादन की 3 अलग अलग यूनिट में 1900 मेगावाट का बिजली उत्पादन ठप हो गया है और गर्मी की वजह से अचानक बिजली की डिमांड बढ़ गई है। इस कारण सोमवार को प्रदेश के शहरों में भी बिजली कटौती के हालात बन गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में गाँव में तो बिजली कटौती होगी ही, साथ ही में बड़े शहरों में भी अब 1 घंटा बिजली कटौती की जा सकती है। कटौती का समय सुबह 6:30 से 8:30 के बीच होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि एक्स चेंज से अतिरिक्त बिजली मिल जाती है तो कटौती नहीं होगी या फिर कम समय के लिए कटौती होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है एक बार फिर राजस्थान में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक अब बजट सत्र के बाद एक बार फिर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में फील्ड में उतरेंगे और पद यात्राओं के दौरान सरकार के बजट के प्रचार प्रसार को जोर देंगे। विधायक और मंत्री अपने क्षेत्र की जनता को बजट घोषणाओं की जानकारी देंगे लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री और विधायकों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वह जहां पर भी जाते हैं तो उनको पूछा जाता है कि मुफ्त स्मार्टफोन वाली योजना का क्या हुआ। और यह बातें खुद मंत्री और विधायक भी कह चुके हैं कि वह जहां पर भी जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि मुफ्त स्मार्टफोन कब मिलेगा और यह योजना ठंडे बस्ते में चले जाने की वजह से इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है। ऐसे
ऐसे में भले ही सीएम गहलोत ने अपने मंत्रियों और विधायकों को यह आदेश दिया हो कि घोषणाओं को डोर टू डोर प्रचार करें, लेकिन मंत्रियों और विधायकों को इस बात का भी डर सता रहा है कि पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी वह भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। इस पर जनता को क्या जवाब दे पाएंगे? अगली बड़ी खबर, जब भी राजस्थान में कोई बड़ी परीक्षा होती है तो सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इंटरनेट बंद करने का सहारा लेती है। हालांकि पिछली परीक्षाओं के दौरान भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया था। देखिए, नेट बंदी पेपर लीक समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि नेट बंदी से प्रदेश के लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, बहुत कम लोग ही जेब में पैसे रखते हैं। ऐसे में जहां इंटरनेट बंद है वहां के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और बड़ी बात यह है, आगामी 1 मार्च तक प्रदेश के कई जिलों में नेट बंदी का सिलसिला जारी रह सकता है। राजधानी जयपुर में भी आज और 1 मार्च को नेट बंद रहेगा। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।